जितना करेंगे वही करेंगे बस। कौन वही करेंगे? जहाँ वही आए हैं मुख्यमंत्री। हाँ, क्या कुछ बातचीत रही मुख्यमंत्री? बातचीत यही कहें कि 10 लाख रुपया देंगे, बच्चन के फीस देंगे और मकान देंगे और धंधा के लिए पैसा देंगे। आपका बेटा खोया है आपने? हाँ, बेटा तो खोया है, बेटा कहाँ मिलेगा मेरा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बातचीत करी, कुछ बोझ हल्का हुआ कुछ? हाँ, लगा बोझ हल्का है, बेटा हमारा कहाँ मिलेगा, अब बेटा मार नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री जी से बात करके कितने संतुष्ट रहे? संतोष है जो है। क्या बातचीत हुई, किस तरह की बातचीत हुई, क्या हुआ? यही बात हुई जो बता रहे हैं, यही बात हुई। और भी कुछ आश्वासन दिए उन्होंने? नहीं, और कुछ नहीं, यही बात हुई। उन्होंने कुछ कहा कि जो आरोपी है पकड़ा जाएगा? हाँ, वो पकड़ा जाएगा, आरोपी पकड़ा जाएगा। जो चिन्हट लॉकअप में मोहित पांडे की मृत्यु हुई थी, वही पीड़ित परिवार है। ये इश्यू को लेकर आज मैं मुख्यमंत्री से मिला। किस तरह की बातचीत रही, आप मौजूद रहे, क्या बातचीत हुई वहाँ पे, क्या परिवार बताया, क्या सीएम साहब ने कहा? सीएम साहब एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने वो हर सुविधा देने की बात की जो एक परिवार को जरूरत होती है, वो चाहे मकान की हो, चाहे रोजगार की हो, और चाहे पुलिस के द्वारा जो उत्पीड़न हुआ था उसमें न्याय मिलने की बात है। मजिस्ट्रेट जांच होगी, मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश होंगे, पुलिस विभागीय जांच तो चल ही रही है। इसके अलावा परिवार को और बच्चों को पढ़ाई के मामले में सुविधाएं मिलेंगी, आवास मिलेगा, 10 लाख रुपए मिलेंगे और पत्नी को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ाने का काम होगा और उनकी मदद होगी। तो जहाँ तक सीएम साहब ने जब इतना आश्वासन दिया तो पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। थोड़ी पीड़ा है उनके दिमाग में कि उनके उनका पति आज दुनिया में नहीं है जिसको होना चाहिए था, लेकिन अब हम लोग मोहित को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जितनी परिवार की मदद संभव है वो सब करने का प्रयास हुआ। जो साहब ने बताया वही बात सब बोले हैं, वही सब ठीक। क्या बात बोले हैं कि जो हुआ है उसको वापस तो नहीं कर पाएंगे और सब पूरी मदद करेंगे, घर के लिए बोले हैं, पैसों के, बच्चों की फीस सब यही बोले हैं। आज उन्होंने कल अपॉइंटमेंट ले लिया आज के लिए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, विधायक जी का, पार्षद जी का, वो बहुत अच्छे हैं और भगवान के साथ मुख्यमंत्री जी के पास उन्होंने मिलाया जाके, और हमको जो जानकारी मिली है तो ये बताया कि बच्चों की फीस के लिए सहयोग पूरा होगा और उनके व्यापार में सहयोग करेंगे, एक इनको आवास दिया जाएगा और 10 लाख रुपए का आर्थिक मदद होगी और आरोपियों को मतलब यानी कि पकड़ करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेटा चला गया, अब इसके आगे तो नहीं वापस हो सकता, लेकिन योगी जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास करके अब उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, फैसला उन्हीं को करना होगा। संतुष्ट रहे मुख्यमंत्री जी की बातचीत? संतुष्ट हैं, अब आगे कुछ क्या बोलने के वक्त है, अब यही एक उतना है कि मोहित नहीं आ सकते, बाकी तो संतुष्टि है ही, बाकी सहारा उन्हीं का है। अब यहाँ पे भाई वो प्रदेश के आदमी हैं, मुखिया हैं, हम तो उनके अंडर में हैं, भाई उम्मीद करता हूँ कि सदैव उनका साथ बना रहे हैं, कि ये परिवार पीड़ित परिवार का कोई सहारा नहीं है, भाई हैं कब तक भाई साथ देंगे, माँ मोहित की विधवा हैं, इनका कौन, इनका तो जीवन कट गया है, बाकी उनका जीवन के लिए योगी जी से मेरी यही विनती है कि योगी जी उनके लिए तो कृपा कर ही दें, जो उन्होंने शब्द कहे हैं उन पर पूरा अडिग रहें और उनको पूरा करके दिखाएं, तभी मेरी मतलब अंतरात्मा को संतुष्टि मिलेगी, योगी जी को धन्यवाद रहेगा। महात्मा हैं, योगी हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, सदैव उनका आभार व्यक्त करता रहूँगा।